एक बात बताइए, हर्षद मेहता का कहानी जानते हैं ना? पहले जमाने में वो पॉसिबल था, अभी नहीं है। पहले शेयर जो था खुद से इंसान को जाकर खरीदना होता था, समझा कि नहीं? जाके क्या करना था, खरीदना होता था। तो इसका एक पूरा नेटवर्क बना हुआ था, एक ओवरव्यू में समझिए, बहुत बड़ा कहानी था उसका। इसका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था, जैसे हमारे पास इतना विद्यार्थी है, ठीक है, और हमारे अब जैसे हमारा विद्यार्थी है, अभी हम जाके कहते हैं, सपोज कीजिए कि ऑफलाइन रहता शेयर, ऑनलाइन नहीं रहता, समझो ध्यान से। वहाँ 1992 में हुआ था, 1992 में हर्षद मेहता का केस, वहाँ पर बहुत, उसके बाद सीबीआई वाला पूछा था आपके अकाउंट से 10 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। 1992 में 10 लाख बहुत ज्यादा था। चलिए बाबू, नहीं जा पाएगी, यहीं से पकड़ पकड़ के जा रही तो कौन चीज चल जाएगी। हाँ, तबीयत खराब किसी का थोड़े रहता, सर दर्द चालू होगा, सीढ़िया पे उलट जाएगी। देखिए ध्यान से आगे बढ़ जाए। अब जैसे हर्षद मेहता के समय ऑफलाइन जाके खुद खरीदना होता था, कहाँ से? दलाल स्ट्रीट से, वर्ली है मुंबई में, एक जगह का नाम है क्या, वर्ली, जैसे पटना में अभी कहाँ है मुसल्लापुर, उसी तरह मुंबई में वर्ली था, वहां पे जाके खरीदना होता था। अब हमारे पास इतने विद्यार्थी हैं, इतने लोग हैं, अगर हम जाके कह देंगे कि तुम लोग सब लोग जाओ धड़ाधड़ जाके रिलायंस का शेयर खरीदना, चिल्लाने लगेगा सर रिलायंस रिलायंस रिलायंस, धड़ाधड़ शेयर किसका बढ़ जाएगा, रिलायंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि रिलायंस का हमको बढ़ाना है, उसके पास पहले से 10,000 शेयर है, कितना शेयर है 10,000, इसमें से हम चुपचाप खरीद लेते हैं 5,000, कितना खरीद लेते हैं 5,000, बचा हुआ इसके पास कितना 5,000, और आप लोग को भेज देते हैं, जा हल्ला करके खरीदियो एकदम यहाँ पर, धर 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 किसका शेयर बिकेगा, रिलायंस, हल्ला हो जाएगा, बाप रे बाप रिलायंस का शेयर गजब बिका है रे भाई, गजब बिका है, तुरंत वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वैल्यू बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको, हर्षद में अकेले पहले से बैठ लेता कितना 5,000 लेके पहले से बैठा, जानबूझ के ये क्या करता था, रेट बढ़वा देता था, किसी का रेट खरीदना, किसी का कंपनी का रेट गिरवाता था गजब तरीका से, जैसे किसी कंपनी का सपोज कीजिए इसी का गिराना है किसी का, तो 10,000 शेयर है ना, अपने आदमी से कह देता था किसी से 100 को खरीद लो, 400 खरीद लो, 500 खरीद लो, इसे करते करके इसमें से कितना ले लेता था 5,000, 5,000 खरीद लेता था, खरीद लिया, अचानक सबसे कहता था कि आज 5,000 बेच दे। अब किसी कंपनी का शेयर अचानक से कोई 5,000 धर 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 हर आधा घंटा 15 मिनट में बिकने लगेगा तो क्या होगा, कंपनी का शेयर गिर जाए, वैल्यू क्या जाएगी, गिर जाए, जब गिर जाएगी तो खरीद लेगा, आओ यहाँ पे, बहुत खतरनाक उसका दिमाग था। और वो ना कई और चीजें भी किया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था, तो उसका दिमाग तो ये था खतरनाक वाला। अब बैंक से क्या कर लेता था, लोन लिया था, तो बैंक लोन आपको लीगल कामों के लिए देती है, इलीगल के लिए नहीं, लेकिन बैंक इतना ध्यान नहीं दी क्योंकि बैंक का पैसा डुबाता नहीं था, तुरंत क्या करता था रिकवरी दे देता, लेकिन होता तो गलत ही था, इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो गया, कोई ब्लैकमेल कर रहा था उसको, ब्लैकमेल कौन चीज, कोई कहीं ना कहीं, देखिए झूठ कितना दूर जाइएगा कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है। हर्षद मेहता में जो था ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। सीबीआई पूछे था कि आपके पास छापा में 8 लाख रुपया मिला, 1992 में 8 लाख बहुत ज्यादा होता, कहा इतनी बड़ी रकम आपके पास कैसे आई, मतलब ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, कहा हमको याद नहीं है। सीबीआई वाला पूछा आपको याद नहीं है 8 लाख, 1992 में 8 लाख का मतलब समझ रहे आज का 1 करोड़, कहा इतनी बड़ी रकम आपको याद नहीं है, उसने कहा कि आपके लिए बड़ी होगी मेरे लिए नहीं। 4 नवंबर को आपने बहुत सारे बड़े अमाउंट विथड्रॉ किए, ग्रिडलेस बैंक के फोर्थ ब्रांच से 10 लाख रुपीस, SBI के मेन ब्रांच से 30 लाख, और 4 नवंबर को दिल्ली में 2 विथड्रॉल 45 लाख। इतने सारे कैश का आप क्या कर रहे थे? मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत पुराने ट्रांजेक्शन है। अच्छा, बैग अमाउंट मिस्टर मेहता जरा याद कीजिए। देखिए अमाउंट आपके लिए बड़ी होगी मेरे लिए नहीं। सीबीआई अफसर के आगे बैठ गया, आप इस तरह का नौटंकी कहिएगा, आप तनी, आप किसी केस में फंसे हैं तनी दरोगा से बैठिए ना, कुछ और लिख दिया ना, कुछ भी लिख दिया तो आपको कोर्ट से साबित कराने में 10 साल लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट गलत नहीं है, कोर्ट के पास इतना भीड़ है ना कि कोर्ट कर क्या सकती है आपको, लिख देगा तो आपको साबित करते करते कितना लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा यहाँ पर, तो उलझना नहीं चाहिए, उलझ जाता था उससे तो बहुत ज्यादा। इनसाइडर ट्रेडिंग लगते किसे कहते हैं समझिए, अब कोई कंपनी अपना शेयर कब बेचना चाहती है या कब शेयर लाना चाहती है, यह कंपनी के बड़े बड़े लोगों को पता रहता है, सीईओ को पता रहेगा, सीएफओ को तो पक्का पता रहने वाला है, एमडी को पता रहना है। जैसे सपोज कीजिए हमें शेयर लाना है तो हमारे कुछ खास लोगों को पता रहेगा कि शेयर कब, आप लोगों को पता है नहीं, लेकिन खास आदमी को पता रहेगा कि शेयर कब आएगा, और आपको पता है क्या प्राइस रहेगा, लेकिन कुछ खास खास लोग रहेंगे उनको क्या रहेगा पता रहेगा, सीएफओ जो रहेगा उसको क्या कंफर्म पता है, ये सब सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है, सीएफओ, सीएफओ और एमडी से तो कुछ छुपता ही नहीं है, सारा पैसा का लेन देन किसके पास रहता है, सीएफओ, सीएफओ सीईओ सीटीओ और एमडी सबको क्या रहेगा पता रहेगा। अगर इसी में से कोई बाहर निकल जाए और अपने किसी रिश्तेदार को बोल दे कि देख इतने तारीख को शेयर आएगा इतने पैसे का रहेगा रेडी रहियो, तो उसका रिश्तेदार क्या करेगा फटाक से खरीद लेगा, और ऐसा आदमी को करेगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, सारा पैसा इसी का रहेगा, खरीदवाएगा किसके नाम पे, रिश्तेदार के नाम, इसे क्या कहा जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कभी कंपनी के गुप्त सूचनाओं को कंपनी के ही अंदर से लीक कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, बहुत खतरनाक होता है इनसाइडर, कंपनी डुबा देगा, समझ आएगी नहीं, कंपनी नहीं डुबा देगा,
आराम से डुबा देगा। आप सपोज कीजिए ना कि हमको ले आना है 10,000 शेयर, कितना शेयर 10,000 शेयर लाना है, सीएफओ को पता होगा कि नहीं, वही बैठ के फाइनेंशियली डिजाइन किया होगा, सीएफओ एमडी को भी पता ही होगा, सबको पता 10,000 शेयर। अगर मेरी कंपनी का ही कोई खास आदमी बाहर निकल के और ग्रुप बना दे 25-30 आदमी का, भाई 10,000 शेयर निकला है और एक और शेयर मिल के कितना खरीद ले, 10 को खरीद ले, तब तो काम गड़बड़ा जाएगा। शेयर बनाए फायदा क्या, तो 10 को पार्टनर हो गया सब, नहीं हो जाएगा सब। तो कंपनी की गुप्त सूचना को बाहर ले आना क्या ये सही है? हाँ नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहेंगे? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। और किसी को अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए सेबी पकड़ेगी तो जुर्माना लगाती है, जानते हैं कितना, 500 करोड़। कितना लगाएगी? 500 करोड़। कोई करेगा इनसाइडर ट्रेडिंग, जिंदगी बिता देगी उसका जेल में। सुब्रत राय को छोड़ा अभी तक, बहुत मुश्किल में डाल दिया सुब्रत राय को। शेयर बाजार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेन काम क्या है शेयर का, आपको बिना नाम गाम पता किए आपको एक पार्टनर मिल